सवाल किया गया कि आमदन से जायद असासे कैसे बनाए, सबूत दिया जाए। नैप ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर सुहेल जफर चीमा को 10 दिसंबर को तलब कर लिया। वालिद जफरुल्ला चीमा और भाई रिजवान चीमा को भी पेश होने का हुक्म दिया गया। आमदन से जायद असासे कैसे बनाए गए हैं, सबूत पेश किया जाए। नैब ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर सुहेल जफर चीमा को 10 दिसंबर को तलब किया है। वालिद जफरुल्ला चीमा और भाई रिजवान चीमा को भी पेश होने का हुक्म जारी किया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। राहिल सैयद, अपडेट कीजिएगा। जी नीलम, आमदन से ज्यादा साथ में एक और जो सियासतदान है वो क्रिस्ट में आते हुए नजर आ रहे हैं। साबिक रुकन असेंबली है सुहेल जफर, जो पहले मुस्लिम लीग नून में शामिल थे और अब पीटीआई के रहनुमा है, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। इनको जो है नैब ने तलब कर लिया 10 दिसंबर को के और भाई जो है वो नैब के सामने आकर तहकीकती टीम के सामने पेश हों और अपने आमदन से जो जायद असासों की जो शिकायत नैब को मौसूल हुई है उस पर जवाब दिए जाए। जराए का कहना यह है कि सुहेल जफर ने आमदन से जायद असासे अपनाए, इस हवाले से नैब को एक जवाब मौसूली थी जिसमें नैब तहकीकत करे, वेरिफिकेशन के बाद अब जो इंक्वायरी की शक्ल दी जा रही है और इसके हवाले से इन्हें तलब किया गया है कि आपको जो भी असासा जात की तफसीलत हैं वो जमा करवाएं और जो भी आपने गोशवारों में अपनी जो आमदन है और जो असासा जात की तफसीलत दर्ज की गई है उसका भी जो रिकॉर्ड लेकर नैब की तहकीकती टीम के सामने 10 दिसंबर को पेश हों। जी ठीक है, आमदन से ज़ायद असासा जात का ये मामला है, इस हवाले से बता रहे थे राहिल सैयद, शुक्रिया आपका।